नमस्कार दोस्तों, आज के टैक्सेशन पर्टिकुलरली इनकम टैक्स से रिलेटेड डिस्कशन में मैं पार्टनरशिप फर्म के टैक्सेशन से जुड़े एक पॉइंट पर आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं। ये पॉइंट बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेमुनरेशन बाय द पार्टनरशिप फर्म टू इट्स पार्टनर से रिलेटेड है। यानी क्या एक पार्टनरशिप फर्म जो इनकम टैक्स में असेसेबल है वो अपने पार्टनर्स को सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन या इंटरेस्ट का भुगतान कर सकती है या नहीं कर सकती। अब इस संदर्भ में सर, जो इनकम टैक्स एक्ट में प्रावधान है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दो महत्वपूर्ण प्रावधान है, सेक्शन 40 क्लॉज बी एंड सेक्शन 28 क्लॉज 5। ये क्या व्यवस्था प्रोवाइड करते हैं, मैं एक हल्का सा इशारा सर आपके सामने लेकर के आता हूं कि एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट का भुगतान कर सकती है यदि पार्टनरशिप डीड के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि इंटरेस्ट का भुगतान किया जा सकता है। हाँ, लॉ साइलेंट है, वो ये नहीं कहता कि इंटरेस्ट कुड बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन। यानी अपन ये मान लें यदि डीड परमिट कर रही है तो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे सकती है और इंटरेस्ट ऑन लोन भी दे सकती है। और सर मेरी बात समझिएगा, यही एकमात्र ऐसी एंटिटी है जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भुगतान किया जा सकता है। ना तो प्रोपराइटरशिप में ऐसा संभव है और ना ही सर कंपनीज में ऐसा संभव है। केवल पार्टनरशिप फर्म ऐसी एंटिटी है जिसके अंदर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तक का डिडक्शन ले सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं टैक्स प्लानिंग में काम में आने वाली बात निश्चित रूप से। अब इंटरेस्ट का भुगतान तो सर मैंने आपको बोला कि यस इट हैज टू बी एज पर द डीड और मैक्सिमम रेट 12% होगी, इससे ज्यादा का इंटरेस्ट का भुगतान हम नहीं कर सकते। अब एक अगली बात सर, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन आप किसी भी नाम से जानिए, इनकम टैक्स लॉ कहता है आप ये भी पेमेंट कर सकते हैं और इसका भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं प्रोवाइडेड पार्टनरशिप डीड में ऐसी व्यवस्था स्पष्ट रूप से लिखी हो कि सैलरी, बोनस, कमीशन का भुगतान किया जा सकता है। दूसरा, वो पर्टिकुलर रेमुनरेशन का भुगतान, सैलरी, बोनस, कमीशन का भुगतान केवल वर्किंग पार्टनर को, यानी आपने क्या डीड में लिखा क्या कि आपका रिलेवेंट पार्टनर जिसको आप भुगतान कर रहे हैं वो वर्किंग पार्टनर है। तीसरा, रेमुनरेशन का भुगतान रेट्रोस्पेक्टिवली बढ़ाकर नहीं कर सकते, हमेशा प्रोस्पेक्टिव होगा, यानी आगे के लिए आप चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, पीछे से यदि आप भुगतान को बढ़ा के दिखाना चाहते हैं तो वो संभव नहीं है। चौथा, एक लिमिट सरकार ने फिक्स कर रखी है कि हर पार्टनरशिप फर्म के बुक प्रॉफिट्स के अमाउंट के ऊपर रेमुनरेशन की एक मैक्सिमम कैपिंग है, जिसमें उन्होंने ये बोला पहले 3 लाख तक के बुक प्रॉफिट पर 90% या 1.5 लाख विच एवर इज हायर, बाकी के बुक प्रॉफिट पर 60%। अब चाहे आपकी प्रोफेशनल फर्म है चाहे आपकी नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म है, यहां तक मैं कह सकता हूं एक LLP के केस में भी सर इंटरेस्ट और रेमुनरेशन संबंधी व्यवस्था जो मैंने आपके सामने रखी ऐसा भुगतान किया जा सकता है। अब मैं इस डिस्कशन को फर्दर कोरिलेट करना चाहता हूं सर सेक्शन 44AD जो प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन की बात करता है कि आप प्रॉफिट्स का 8% सेल्स का टर्नओवर का 8% बताइए और फिर बाकी के क्वेश्चंस नहीं जाना है। यानी 8% आपका एनपी रेट स्टेट अवे मान लिया गया है। इसी प्रकार से यदि बैंकिंग ट्रांजेक्शन है तो 6% सेक्शन 44AD व्यवस्था करता है। क्या उस पर्टिकुलर 8% या 6% की गणना में से मैं पार्टनर्स को दिए गए इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन का भुगतान क्लेम कर सकता हूं? तो सर ये पहले परमिजेबल था बड़ा क्लियरली, लेकिन अब लॉ में अमेंडमेंट आ गए और ये कह दिया गया कि यदि आपकी पार्टनरशिप फर्म, मैं यहां नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहा हूं क्योंकि LLP सेक्शन 44AD में कवर्ड नहीं होती, यदि आपकी नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 44AD का बेनिफिट ले रही है तो आप इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन का भुगतान नहीं क्लेम कर सकते। परंतु हाँ, आप LLP हैं तो क्लेम कर सकते हैं। और यदि कोई मुझे ये पूछे कि नहीं साहब, हम नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं प्रोवाइडेड आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट मेंटेन करें और उनकी ऑडिट कराएं। ठीक है, इसके साथ सर हमें यह भी ध्यान रखना है यदि पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन का डिडक्शन मिला है किसके किसके लिए, पार्टनरशिप फर्म को, तो ऐसी परिस्थिति में रिलेवेंट पार्टनर के हाथ में वो अमाउंट सेक्शन 28 क्लॉज 5 में बिजनेस इनकम के रूप में टैक्सेबल होगी। क्यों? क्योंकि सीधा सा फंडा है सर, एक का खर्चा
दूसरे की इनकम। तो लॉ इस कॉन्सेप्ट के आधार पर पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर्स को दिए गए इंटरेस्ट सैलरी बोनस कमीशन रेमुनरेशन का भुगतान अलाउ कर सकता है, ऐसा मैंने आपके ध्यान में लाने की कोशिश करी। यदि आपकी कोई और इस संदर्भ में क्वेरी हो तो आई ट्राई कि मैं फर्दर उसको सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।